हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम पराठे के लिए एकदम नए और मज़ेदार तरीके से मसाला कैसे तैयार करेंगे ताकि पराठे का टेस्ट दुगना बढ़ जाए और खाने में एकदम मज़ेदार लगे। उससे पहले, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम कुछ आलू लिए हैं, इसे हम एक प्रेशर कुकर में अब डालेंगे। तो अब हम इसमें सभी आलू को डाल देंगे। देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए, हम यहाँ पे 1 गिलास इसमें पानी डाल दिए हैं। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। चलिए, अब इसे हम उबाल लेते हैं, और जब तक ये उबले तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ मसाले के लिए यहाँ पे 2 मीडियम साइज का प्याज लिए हैं, और 5 से 6 हरी मिर्च, और 3 तेज पत्ते हैं, और कुछ कड़ी पत्ते लीव्स हैं, और 8-10 लहसुन की कलियाँ हैं, और 1/2 चम्मच जीरा है, और धनिया पत्ता है। तो चलिए, हम इसको अब बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरा आलू उबल चुका है, इसका प्रेशर भी निकल चुका है। अब चलिए, हम इसका ढक्कन खोलते हैं। अब हम सभी आलू को एक प्लेट में निकाल कर पहले इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। देखिए, अब हम इसे छील लेंगे पहले। देखिए, छीलने के बाद हमें इसको इसी तरह फोड़ के रख देंगे। चलिए, इसी तरह हम सभी आलू को छील लेते हैं। देखिए, यहाँ पे सभी आलू मेरा छिल चुका है। अब चलिए, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उससे पहले हम इसमें कुछ सामग्री ऐड करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम करीबन 1/2 चम्मच यहाँ पे अजवाइन और मंगरेला ऐड किए हैं, और यहाँ पे हम 1/2 चम्मच से नमक डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे सभी आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब चलिए, हम इसको बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम एक कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं, इसे अब हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो यहाँ कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। आप अपने अनुसार तेल डाल सकते हैं, यहाँ पे हम कम तेल का यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो देखिए, यहाँ पे मेरा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें हम कटे हुए सब्जियाँ जो मसाले तैयार करके रखे थे वो डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले तेज पत्ते को डालेंगे, उसके बाद हम जीरा डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से चटकने देंगे। चटकने के बाद इसमें हम प्याज कटे हुए डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम कटे हुए हरी मिर्च को डालेंगे। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम लहसुन की कलियां जो रखे हैं वो डालेंगे। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे पहले।
तो देखिए यहाँ पे प्याज का कलर चेंज होने लगा है, तो अब इसमें हम कड़ी पत्ते लीफ्स डाल देंगे। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्याज अच्छे से भून चुका है, अब हम इसे नहीं भूनेंगे। तो देखिए इसमें हम अब कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे 1 चम्मच मिक्स मसाला डालेंगे और 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। और मिक्स करते हुए हम करीबन इसे 1 मिनट तक भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पे मसाला को भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम जो आलू रखे हुए थे मिक्स करके उसको हम डाल देंगे इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले में। अब फ्लेम मीडियम कर देंगे हम। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे कुछ मिनट के लिए भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें भूनते हुए करीबन 4 से 5 मिनट हो चुका है और ये मसाला मेरा एकदम भून कर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें कटे हुए धनिया पत्ते को डालेंगे। अब हम इसे भी 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पे हमें भूनते हुए करीबन 1 से 2 मिनट हो चुका है और चोखा मेरा एकदम रेडी है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम करीबन 500 ग्राम आटा लिए हैं, इसमें हम आधा चम्मच अजवाइन मंगरेला डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिलाते जाएंगे। हम एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे आटा मेरा अच्छे से मिल चुका है, हमने आटा को अच्छे से गूंथ लिया है। अब इसे हम 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे करीबन 5 मिनट हो चुका है मेरा, अब चलिए हम इसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम चूल्हे पे तवा चढ़ा दिए हैं और इसे हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। और जब तक मेरे तवा गर्म हो जाए तब तक हम चलिए पराठे तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम गूंथे हुए आटा को लेंगे और इसे हम हाथों के सहारे से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम पराठे के साइज का इसका लोई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने लोई काट लिए थे, अब इसको हम लोई को हम कटोरा बनाएंगे। देखिए इसी तरह हमें कटोरा बना लेना है। अब हम इसमें मिक्स किया हुआ चोखा को हम भरेंगे इसमें। तो
इसमें हम ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, नहीं तो ये पराठे बेलते समय सारा बाहर आ जाएगा। तो अब हम इसी तरह दबाते हुए इसका मुंह बंद कर लेंगे। देखिए इसी तरह हमें इसे अच्छे तरह से बंद कर लेना है। उसके बाद हम इसे सूखे हुए आटे में इसको पहले अच्छे से लपेट लेंगे। और देखिए हाथों के सहारे इसे हम इसी तरह चपटा कर लेंगे, उसके बाद हम इसे बेलेंगे। इसे हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो मसाला बाहर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे पराठा मेरा बेला चुका है। अब देखिए यहाँ पे तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें हम अभी बेल के रखे थे ना पराठे को, उसको हम डाल देंगे इसमें। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। अब इसे हम कुछ सेकेंड के लिए इसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए इसे हम पलट देंगे। इसे देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना। अब इसी तरह हम दूसरे साइड भी इसे सेक लेंगे। देखिए अब इधर भी कलर आ गया है ना, तो इसको अब हम ऊपर से तेल लगाएंगे। आप भी अपने घरों में ऐसे ही एक बार पराठे बनाने का ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है ऐसा बनाया गया पराठा। आप दो की जगह चार खा लेंगे। तो देखिए अब इसे हम पलट देंगे। अब इधर हमको तेल लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमने ऊपर में ही तेल डाल दिए थे इतना कि ताकि मेरा दोनों साइड का पराठे सीख जाए। अब हम इसी तरह इसे घुमाते हुए सेक लेंगे साइड साइड से। तो देखिए यहाँ पे पराठा एकदम अच्छे से सिका चुका है। तो चलिए अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हमें सभी पराठों को बना लेना है। तो आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव।